योगिनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजाधिराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हिम्माली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हिम्माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हिम्माली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेमपाश में खोया रह गया। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल लाने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षों, दुरात्मा हिम्माली क्यों नहीं आ रहा है? यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हिम्माली को बुलवाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अत कोर से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। कोर से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। तदनंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरि के शिखर पर गया। वहां पर मुनिवर मार्कंडेय जी का उसे दर्शन हुआ। पापकर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? यक्ष बोला, मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हिम्माली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सुवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभावत परोपकार में लगा रहता है, यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर को कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यशाली है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत विधि, दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन तथा पेस्ट का उपयोग न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। और ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्नादि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। मुह नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्रनाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिए। कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए फलों के डिब्बा बंद रस को न पिए। दो बार भोजन न करें। आइसक्रीम व तली हुई चीजें न खाए। फल अथवा घर में निकाला हुआ फल का रस अथवा थोड़े दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक है। व्रत के दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीन दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो, एक प्रकार का धान शाक, शहद, तेल और अत्यंबुपान अधिक जल का सेवन, इनका सेवन न करें। व्रत के पहले दिन दशमी को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान, जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गोघृत आदि का एक बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निद्रा,
पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपटादि अन्य कुकर्मों से नितांत दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ पर सवारी न करें। भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्रीहरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाए, मधुर बोले, अधिक न बोले, अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भूल कर भी क्रोध नहीं करें। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान्न दक्षिणादि से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए।